हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द लेक्चर फ्रॉम फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। नाउ व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अ टाइप ऑफ डेटर फाइनेंस इन विच अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स। नाउ बेसिकली फैक्टरिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग योर रिस्क फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर पॉकेट टू अनदर पर्सनस पॉकेट। नाउ दैट अनदर पर्सन इज नथिंग बट अ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक बिजनेस रन करते हैं, राइट, एंड उनको मिस्टर मिस्टर सी ने एक इनवॉइस दिया, क्रेडिट नोट दिया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको आफ्टर 30 डेज या 60 डेज मैं आपको रीपेमेंट करूँगा, या फिर जो भी बैलेंस है वो आपको मैं पेमेंट करूँगा। बट टू होल्ड दैट इनवॉइस फॉर 30 और 60 डेज इज़ ए रिस्की फैक्टर, बिकॉज सामने वाले का क्रेडिट वर्थीनेस, सामने वाले के बिजनेस फैक्टर्स, बिजनेस रन करेगा नहीं करेगा, राइट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, एंड उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड पर्सन के पास जाते हैं। नाउ व्हाई थर्ड पर्सन? बिकॉज आई एम पर्सन वन जिन्होंने एक्सेप्ट किया है सामने वाले का रिसीवेबल इनवॉइस, राइट। तो आई एम ए एंड द पर्सन आई एम डीलिंग विथ इज सी, सो इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड सी। So we are two parties. Now the third person called factor comes in the picture. Now that factor will be denoted as B. So A ne business deal kiya C ke saath, right? C is a risky factor for A. For example, I have done a deal of rupees 1 lakh with Mr. C. 1 lakh rupees ka hamara business deal hua hai. Unhone kaha hai ki you transfer me the product and materials and give me services, and after 30 days I will pay you the money, right? But I don't feel that कि वो जो पैसा है वो मुझे properly 30 days बाद मिलेगा या फिर extend होगा, I'm not sure. So what I do, I go to the factor Mr. B, right? अब ये factor के पास हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरे पास जो bills receivable है, जो bill है जो मुझे 30 days बाद आने वाला है, वो आज मैं redeem करूँगा। रिडीम इन द सेंस आज ही उनको मैं एनकैश करूँगा जो डॉक्यूमेंटेशन में है, राइट। सो अ बिजनेस विल समटाइम फैक्टर इट्स रिसीवेबल एसेट्स टू मीट इट्स प्रेजेंट एंड इमीडिएट कैश नीड्स। तो कौन से कैश नीड? प्रेजेंट एंड इमीडिएट कैश नीड। इधर इट कैन बी ए नीड और इट कैन बी टू अवॉइड रिस्क। तो फैक्टर क्या करते हैं, हमें वो बिल्स या फिर इन्वॉइसेस जो है वो खुद के पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो रिस्क अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एंड दे गिव अ सर्टन सम ऑफ मनी। दे डोंट गिव अस 100% मनी, दे मे गिव अस 80%, 70%, 90%, या फिर उसके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको चार्ज करेंगे। बट दे विल चार्ज समथिंग एंड दे विल रिडीम दैट रिस्क एंड दे विल फ्री अस फ्रॉम दैट रिस्क, राइट। तो वो फैक्टर क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा और हमें जो भी अमाउंट आना है उसमें से 70 to 80-90% हमें वो अमाउंट देते हैं, एंड बाकी का दे विल कीप इट एज देयर चार्जेस, सर्विस चार्जेस और इंटरेस्ट। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन। फैक्टरिंग इम्प्लाइज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फैक्टर क्या करता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करा के देते हैं किन किन के बीच में, बिटवीन द फैक्टर एंड क्लाइंट, इन विच द फर्म That is client gets advances in return for receivables. जो भी advances है in return मुझे आगे आने वाले तारीख पे मिलने वाले थे, right? उन advances को हम लोग क्या करते हैं, आज ही redeem कर लेते हैं। From a financial institution called factor, right? तो ये financial institutor कौन है? Factor है। So what we do? We redeem, we transfer our risk from our pocket to the factor's pocket. Aage, it is a financial technique in which there is an outright selling of trade debts by a firm to a third party, that is factor, at a discounted price. So factoring, yani transferring or redeeming your bills, that is mentioned here, trade debts. Debts yani jo bhi hamare loans hai ya fir samne walon ko humne credit diya hai, right? हम डेटर है, सामने वाला क्रेडिटर है, राइट। तो वो सारे रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एंड व्हाट वी गेट,
वी गेट द अमाउंट जो भी हमारे बिल्स में लिखा है, बट दैट इज एट डिस्काउंटेड रेट, राइट। वो हमें डिस्काउंट करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में हमने 1 लाख रुपीज लिया था, तो हम पूरा 1 लाख हम नहीं ले सकते फैक्टर से। दैट फैक्टर विल कट डाउन और टेक सम चार्जेस एंड गिव अस समथिंग, राइट, विच इज फीजिबल बट नॉट टोटल अमाउंट। लेट अस सी ग्लॉसरी ऑफ टर्मिनोलॉजी। द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज इन अ फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। जब भी हम लोग फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन सारे चीज़ों का, इन सारे पार्टियों का हमको ध्यान रखना है। क्लाइंट, ऑल्सो नोन एज सप्लायर, मे बी बिजनेस इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग द गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अवेलिंग द फैक्टरिंग अरेंजमेंट, राइट। जो भी सामने वाले को हम लोग बिजनेस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ क्लाइंट, मैंने ए यानी ए ने सी के साथ बिजनेस किया, आई एम अ क्लाइंट टू द फैक्टर क्योंकि आई एम गोइंग टू द फैक्टर, राइट। सेकेंड, कस्टमर अ पर्सन और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड ऑन क्रेडिट, ही मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज डेटर। सो आई एम क्रेडिटर एंड द अदर पर्सन इज डेटर, राइट। स्मॉल रेक्टिफिकेशन। सो आई एम द क्लाइंट टू द फैक्टर एंड द अदर पर्सन मिस्टर सी इज कस्टमर टू द फैक्टर, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन, ये जो भी दो पार्टी है उसके नाम लिखे, वो फैक्टर के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ थर्ड पॉइंट, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। एनी ट्रेड डेट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द क्लाइंट टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। क्लाइंट ने कस्टमर को अगर कोई भी क्रेडिट सर्विस या क्रेडिट में गुड सेल किया है एंड क्लाइंट को लगता है कि या तो रिस्क है या फिर मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, आई कैन नॉट वेट फॉर द मैच्योरिटी पीरियड, तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल यानी बिल जो है, क्रेडिट बिल लेकर जाते हैं फैक्टर के पास और उनको कहते हैं रिडीम करो एंड गिव अस समथिंग डिस्काउंटेड प्राइस, जो हम लोग आज के तारीख में यूज़ कर सकते हैं फॉर आर बिजनेस। नेक्स्ट इज ओपन अकाउंट सेल्स, वेयर इन एन अरेंजमेंट गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड सप्लाइड बाई द क्लाइंट टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट विदाउट रेजिंग एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, राइट। हम लोग ने अभी तक देखा लास्ट स्लाइड तक कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्स रिसीवेबल, एक बिल जनरेट होता था, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन अकाउंट सेल, जहाँ पे हमने बिल रेज ही नहीं किया है, वी आर नॉट मेकिंग एनी बिल, एनी डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट वी आर रेजिंग द ट्रांजैक्शन, वी आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, सो उसे हम लोग कहेंगे ओपन अकाउंट सेल। नेक्स्ट, एलिजिबल डेट, सो दिस डेट्स विच आर अप्रूव्ड बाय द फैक्टर फॉर मेकिंग प्री पेमेंट, ये वो डेट्स है जो हम लोग फैक्टर को अप्रूव करा के लेते हैं, जो प्री पेमेंट के लिए हमें कंप्लीट करता है, राइट। तो एलिजिबिलिटी लगती है वहाँ पे कि जो भी आपके प्री पेमेंट है वो अप्रूव कराने हैं और वो क्या क्या फैक्टर है जिनके वजह से हमको वो प्री पेमेंट देंगे। नेक्स्ट, रिटेंशन मार्जिन मेंटेन बाय द फैक्टर, अभी फैक्टर क्या करते हैं, एक मार्जिन अपने पास रखते हैं। रिटेंशन मतलब अपने पास डॉक्यूमेंट रखने के लिए वो एक सर्टन मार्जिन रखते हैं। नाउ दैट इज नथिंग बट देयर चार्जेस सर्विसेज, या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी वो रिस्क होल्ड कर रहे हैं उसके लिए वो हमें एक मार्जिन डिसाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं। नाउ दिस मार्जिन कैन बी सेम फॉर एवरी कस्टमर और एवरी क्लाइंट, मे डिफर एज पर द रिस्क, राइट। नेक्स्ट, प्री पेमेंट, एन एडवांस पेमेंट मेड बाय द फैक्टर टू द क्लाइंट अप टू अ सर्टन परसेंट ऑफ द एलिजिबल डेट्स। तो हम लोग को क्या करते हैं, फैक्टर प्री पेमेंट करते हैं। क्यों प्री पेमेंट बोला जाता है? बिकॉज 30 डेज या 60 डेज या जो भी मैच्योरिटी डेट है उनके पहले हमें ये अमाउंट मिल जाता है, सो एडवांस पेमेंट होता है, इसलिए उन्हें हमें प्री पेमेंट कहा जाता है। अब ये प्री पेमेंट की भी एक एलिजिबिलिटी वो डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, सामने सी पार्टी हमें पैसा देगी कि नहीं देगी, फैक्टर को रिटर्न में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी एलिजिबिलिटी मेंशन या फिर कैलकुलेट करके क्लाइंट को प्री पेमेंट करते हैं। फैक्टरिंग कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट द चार्जेस। अ फैक्टरिंग कंपनी में चार्ज 2% फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड 0.5% फॉर एवरी 10 डेज दैट द इनवॉइस रिमेन्स अनपेड।
यहाँ पे एक सर्टन परसेंटेज मेंशन किया गया है, 2% फॉर द फर्स्ट 30 डेज। 30 डेज का बिल है तो क्लाइंट को वो 2% चार्ज करेंगे, उसके बाद 5% पर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के लिए वो 5% चार्ज करेंगे। द रेट्स आर नॉट फिक्स्ड, द रेट्स आर नॉट कंफर्म, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग को लर्न करना है कि फैक्टरिंग के कॉस्ट कैसे होते हैं, राइट। सो ये एक पैटर्न हो सकता है कि पहले अगर आपका बिल 30 डेज का है एंड यू आर टॉकिंग एंड यू आर आस्किंग टू गिव मी अ 30 डेज प्री पेमेंट, तो वो 2% हमसे चार्ज करेंगे, उसके बाद हर 10 दिन में वो हमको 5-5%, 0.5% चार्ज करेंगे। फीस आर ऑफन रेफर्ड टू एज इनवॉइस डिस्काउंटिंग रेट्स। तो ये फीस क्या है, दे आर ऑलवेज रेफर्ड एज डिस्काउंटिंग रेट्स। जो भी अमाउंट, जो भी रिस्क हमसे वो उनके जेब में ले रहे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके लिए वो एक फीस है, एक चार्जेस है, राइट। सम फैक्टरिंग कंपनीज ऑफर अ फ्लैट फी स्ट्रक्चर वेयर वन टाइम फी इज चार्ज अप फ्रंट। कोई कोई फैक्टर या फैक्टरिंग कंपनीज ऐसे होते हैं वो फ्लैट रेट चार्ज करते हैं। आप भले उनके पास 1 करोड़ का बिल लेकर जाओ या 2 लाख रुपए का बिल लेकर जाओ, दे हैव सर्टन स्ट्रक्चर, राइट। वो स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे और उस हिसाब से ही आपको चार्जेस देंगे, राइट। तो उनका फिक्स्ड होता है कि इतना अमाउंट है तो ये चार्ज होगा, ये सर्टन अमाउंट होगा, ये सारे फीस आपको पे करने पड़ेंगे। नाउ हाउ मच डू फैक्टरिंग कंपनीज चार्ज, दीज आर रेट्स डिपेंड्स ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि फैक्टर रेट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उन फैक्टर्स के वजह से ही हमारे चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। उसमें आता है वॉल्यूम ऑफ द मंथली रिसीवेबल्स यू विश टू फैक्टर, कितना वॉल्यूम आपको मंथली रिसीवेबल मिलना चाहिए फैक्टर से, राइट। या तो आप लमसम अमाउंट लेते हो या फिर मंथली रिसीवेबल्स लेते हो। 1 ईयर का आपका मैच्योरिटी है, यू विल थिंक दैट पूरा एक साथ नहीं लेना है, मुझे मंथली लेना है, राइट। तो रिसीवेबल कितना मिलेगा, राइट। तो सामने जो कस्टमर है वो फैक्टर को मंथली रीपेमेंट कर रहा है, राइट, या फिर पूरा लमसम रीपेमेंट कर रहा है। देन एवरेज साइज ऑफ ईच इन्वॉइस यू विश टू फैक्टर, हर एक इन्वॉइस का एवरेज साइज क्या है, उसका एवरेज टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, राइट। फिर उसके बाद उनकी कौन सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी मैटर करता है, बिकॉज मार्केट में वो इंडस्ट्री का रेट क्या है, वो इंडस्ट्री रन हो रही है नहीं हो रही है, उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर स्टेट कंट्री के गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, क्या एफर्ट्स है उनको बढ़ाने में, या फिर उनके पीछे जो भी टेक्निकलिटीज है उसमें मदद करने के लिए। एक सर्टन एग्जाम्पल लेंगे तो समझिए, हैंडमेड इंडस्ट्री है, जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो कपड़ा हो या फिर कोई टॉयज हो या फिर कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट हो, तो अगर कोई सामने वाला फैक्टर के पास जाता है एंड ही सेज दैट आई हैव डन अ ट्रांजैक्शन विद अ हैंडमेड कंपनी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती है, नाउ फैक्टर नीड्स टू थिंक ये हैंडमेड इंडस्ट्री में आती है, गवर्नमेंट का इन पे ध्यान होता है नहीं होता है, उस हिसाब से वो उनके चार्जेस डिसाइड करते हैं। क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ योर कस्टमर, आपके कस्टमर का क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, क्या वो उतने क्रेडिट के लिए वो पात्र है नहीं है, उनका प्री पेमेंट या रीपेमेंट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे, उनके पास उतनी कैपेसिटी है नहीं है। लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स योर कस्टमर्स टू पे, कितने लेंथ में वो पे करते हैं, 90 डेज में पे कर रहे हैं, 120 डेज में पे कर रहे हैं, 360 डेज में पे कर रहे हैं, तो लेंथ कितना है उनका और उस हिसाब से वो चार्जेस करते हैं। जितना लेट हमारे कस्टमर्स फैक्टर्स को पे करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे को पैसा कम आएगा। टिपिकल इनवॉइस फैक्टरिंग रेट्स, नाउ देर आर सम रेट्स विच इज फ्लैट रेट वर्सेस वेरिएबल रेट। सिंपली फ्लैट रेट्स क्या है, फ्लैट रेट में एक सर्टन रेट आपको डिसाइड किया जाता है, उन्हीं रेट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। नाउ फ्लैट रेट्स में आप 1 करोड़ का बिल लेकर जाओ तो भी वो रेट सेम रहेगा, 2 करोड़ का लेकर जाओ सेम रहेगा, 1 लाख रुपए का लेकर जाओ सेम रहेगा। सो वेरिएबल फैक्टरिंग कंपनीज टिपिकली कैलकुलेट रेट्स यूजिंग अ वेरिएबल फी स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। द डिस्काउंट स्मॉल परसेंटेज 1-3% ऑफ द इनवॉइस पर लॉन्ग एज द इनवॉइस गोज अनपेड। तो 1-3% का वो वेरिएबिलिटी चार्ज करता है जितना ज़्यादा टाइम वो अनपेड रहेगा।
सो द लॉन्गर योर कस्टमर टेक्स टू पे द मोर यू विल पे इन फीस. कौन पे करेगा इन फीस? हम क्लाइंट पे करेंगे फैक्टर्स को, क्योंकि हमारे कस्टमर फैक्टर को रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब पहले ही कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि हमारे कस्टमर ने ऑलरेडी हमें एक मैच्योरिटी टाइम दिया होता है, एक डेट दिया होता है जहाँ पे वो पूरा पेमेंट करने वाले होते हैं. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होती है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है ऑन पेपर, इस वजह से वो ऑलरेडी प्री पेमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो ये वेरिएबिलिटी भी रखते हैं, अगर उन्होंने नहीं पे किया तो यू हैव टू पे. तो अगर हमारे क्लाइंट ने पोस्टपोन कर दिया पेमेंट, तो वो भी जो हमारे चार्जेस हैं वो हमारे पॉकेट से जाते हैं. सम फैक्टरिंग कंपनीज ऑफर अ फ्लैट फी स्ट्रक्चर वेयर वन टाइम फीस चार्ज अप फ्रंट. विथ फ्लैट फी स्ट्रक्चर द फी रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ लॉन्ग द इनवॉइस रिमेन्स ओपन. सो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्टरिंग कंपनीज ऐसे होते हैं जो फ्लैट रेट चार्ज करते हैं. दे डोंट बॉदर अबाउट कितना दिन जाएगा या कितना वेटिंग और रहेगा या कितना और ड्यूरेशन लगेगा रीपेमेंट में कस्टमर के तरफ से. उनका एक फ्लैट रेट होता है, उस हिसाब से दे टेक दी रिस्क एंड दे रिटर्न दी डिस्काउंटेड अमाउंट टू क्लाइंट. एडवांस रेट्स वेर योर कंपनी फैक्टर इनवॉइसेस. यू विल टिपिकली रिसीव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस अप फ्रंट एंड द रिमाइंडर इज हेल्ड इन अ रिजर्व अंटिल योर कस्टमर पे द इनवॉइस. सो जो भी एडवांस रेट है, ये वो रेट है जो आपको मैच्योरिटी के पहले जो अमाउंट मिलता है उस पर वो चार्ज किया जाता है, राइट? फैक्टरिंग एडवांसेस रेट्स वेरी बाय इंडस्ट्री. ये जो एडवांस रेट्स है वो इंडस्ट्री से डिफर करता है. हमने अभी दो रेट्स देखे, एक तो फ्लैट रेट एंड वेरिएबल रेट्स, राइट? उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. नया कोई कंसेप्ट नहीं है, बस नाम उनका चेंज किया गया है, एडवांस रेट्स. अब ये रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एडवांस रेट्स है वो डिपेंड और डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिकॉज कोई इंडस्ट्री रिस्कियर है, कोई इंडस्ट्री रिस्कियर नहीं है. सो इंडस्ट्रीज दैट आर रिस्कियर एंड हार्डर टू फंड सच एज मेडिकल एंड कंस्ट्रक्शन कैन एक्सपेक्ट एडवांस रेट्स बिटवीन 60 एंड 80%. तो जो भी एडवांस रेट है वो 60 to 80% होगा. उसके बाद एडवांसेस फॉर जनरल बिजनेस एंड स्टाफिंग कंपनीज कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 80 to 90%. दोज इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री टिपिकली सी द हाईएस्ट एडवांस रेट रेंजिंग फ्रॉम 92 to 97%. ये फैक्टर्स जो है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चार्ज करते हैं. अगर आप मेडिकल में या कंस्ट्रक्शन में तो आपको 60 to 80% ही मिलेगा. जनरल बिजनेस में हो जहाँ पे अर्निंग ज़्यादा हो रही है, 80 to 90% होगा आपको मिलेगा. इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री टिपिकली सी द हाईएस्ट एडवांस रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 92 to 97. ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री हर दिन आए दिन बिजनेस करते ही है, राइट? तो वहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं, तो दे विल गिव यू एडवांसेस ऑफ 92 to 97% जो भी बिल आपका मैच्योर्ड है. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का है तो दे विल गिव यू 97,000, बिकॉज दे नो यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं है, हमें पैसा आने वाला है. वो नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, या तो फ्लैट होंगे या तो वेरिएबल्स होंगे. एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टरिंग के एडवांटेजेस क्या है? एक, ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है. अगर मैंने किसी को 5 लाख का क्रेडिट दिया है बट मेरे यहाँ से गुड्स निकल गए, प्रोडक्ट निकल गए, बट आई नीड टू रन माई बिजनेस, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए. वो पैसा आएगा 30 डेज, 90 डेज, जो भी हमने डिसाइड किया है. तो हम क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट कर लेते हैं. वो डिस्काउंट करने के लिए सबसे पहला एडवांटेज है वर्किंग कैपिटल. अपना जो रोज़ाना कैपिटल है उसको सर्कुलेट करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, राइट? तो हम लोग इसलिए फैक्टरिंग के पास डिस्काउंट करते हैं ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू रहे, क्रेडिट प्रोटेक्शन मिले हमको अगेंस्ट बैड डेट्स और डेटर इंसॉल्वेंसी एंड लॉसेस. जो भी बैड डेट्स है उनके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन मिले. अगर मेरे कस्टमर ने मुझे रीपेमेंट नहीं किया या टाइम पे नहीं किया या फिर ही इज़ नॉट आंसरिंग टू माई कॉल्स, तो क्या, तो वो प्रोसेस में ना जाए, उस फेस में ना जाए. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोटेक्शन लेते हैं और इस हम फैक्टरिंग के पास जाके हमारा रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं. ऑलरेडी हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं, बात करते हैं ऑन टेबल एंड फाइनलाइज दी ट्रांजैक्शन. देन इंक्रीज डेट कैपेसिटी. हमारी जो कैपेसिटी है डेट की वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, राइट?
अगर मुझे आज के तारीख में 5 लाख का ट्रांजैक्शन मैंने किया एंड फैक्टरिंग इज गिविंग मी गुड अमाउंट, जहाँ पे मुझे लॉस भी नहीं हो रहा है और जहाँ पे मुझे इतना 90 डेज 120 डेज का वेट भी नहीं करना पड़ रहा है, राइट? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी में चेंज, 90 डेज में वैल्यू ऑफ मनी मे गो हाई मे गो डाउन, डिपेंड्स ऑन योर इन्फ्लेशन, राइट? तो वो फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। तो मेरी डेट कैपेसिटी क्या है, वो इंक्रीज हो जाती है। कल को मैंने 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया क्रेडिट में, तो भी आई विल बी ओके बिकॉज आई हैव अ फैक्टर, आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स मी मनी इन एडवांस, जो मेरा रिस्क खुद के पास ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन वो रिस्क या फिर डेट इंक्रीज करने की कैपेसिटी पे हमें ध्यान देना है कि सामने वाले का क्रेडिट वर्थीनेस कौन सा इंडस्ट्री में है, हमारे इंडस्ट्री में है, हमारी इंडस्ट्री काम करती है नहीं करती है, अलाइड इंडस्ट्रीज में है कोई और इंडस्ट्री में है, ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है अगर आप अपना डेट इंक्रीज करने का सोच रहे हो। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, बिकॉज अगर वो बैड डेट्स हो गया तो फिक्स हो गया हमारे लिए, रिटर्न नहीं आ रहा है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट, राइट? नाउ वेरिएबल कॉस्ट में हमें एक अमाउंट फिक्स मिलने वाला है, राइट? 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी हमारी बिलिंग्स है, राइट? उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल्स में, क्योंकि फैक्टर वही बिल कभी 80% हमें देगा, या फिर वही बिल पे कभी 90% देगा, या वही बिल पे हमें 75% भी देगा। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्रियल कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये सारी चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट जो फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है उसको कन्वर्ट करते हैं कि वेरिएबल्स में। चलो 1 लाख रुपए में 80,000 मिले तो भी ठीक है, 90,000 मिले तो भी ठीक है, अगर 360 डेज का बिल है और 70,000 मिल रहा है मुझे, देन ऑल्सो वेल एंड गुड, राइट? नेक्स्ट, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन एंड बेटर फोरकास्टिंग, जो भी कैश फ्लो है हमारे उनको कंटिन्यूस रखने के लिए, ऑप्टिमाइज रखने के लिए हम लोग फैक्टर के पास जाते हैं, और बेटर फोरकास्टिंग इज ऑल्सो एन एडवांटेज, राइट? हमें ये फोरकास्ट भी करना है सामने वाले जो कस्टमर है हमारे, वो रिटर्न देंगे नहीं देंगे, बैड डेट्स होंगे या फिर दे विल इंक्रीज द मैच्योरिटी पीरियड या रीपेमेंट पीरियड, राइट? ये सारी चीज़ें हमें फोरकास्ट करना है। प्लस आज के तारीख में मेरी इंडस्ट्री इज रनिंग गुड, तो आने वाले 30 दिन 40 दिन में मुझे कितना और मटेरियल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है, इनफ्लो करना है, राइट? तो उसके लिए भी मुझे लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए, कैश इन हैंड चाहिए, राइट? सो ये फोरकास्ट मुझे करना आना चाहिए, तभी जाके मैं ये फैक्टरिंग का एडवांटेज ले सकता हूँ। ऑप्टिमाइज ट्रेजरी प्लानिंग, जो भी अपना ट्रेजरी है, जो भी हमारा खाता है, अकाउंट है, उनका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रेडिट पे क्रेडिट देते जा रहे हो 30 डेज 90 डेज 120 डेज, एक सर्टन पॉइंट तक आपको आपके कंपनी को प्रोडक्शन या फिर सर्विस रुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड नहीं है, राइट? तो आपको वो ट्रेजरी प्लानिंग भी करना है कि क्रेडिट दे रहा हूँ लेकिन ये रिटर्न आएगा कहाँ से, क्लाइंट दे कस्टमर देंगे हमें या हमें फैक्टर के पास जाना पड़ेगा। देन मोर टाइम टू फोकस ऑन कोर बिजनेस ऑपरेशन, ये जो भी हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उस वजह से वी शिफ्ट आर फोकस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन टू द क्रेडिटर्स, जो सामने वाले ने हमसे लोन लिया उस पर, कस्टमर्स। व्हाई? बिकॉज आए दिन मैच्योरिटी के 10 दिन पहले उनको याद दिलाना पड़ता है, राइट? नाउ इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर, सामने वाले ने अगर ऑनेस्टली मैच्योरिटी पीरियड या फिर एक सर्टन पीरियड जो डेट फिक्स किया है उसमें हमें रिटर्न दे रहे पैसे, देन वेल एंड गुड, चेक दिया है दूसरे दिन बाउंस हो रहा है, अगेन अ रिस्क, राइट? तो हम लोग इस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से बिजनेस ऑपरेशन में फोकस नहीं कर पाते थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ फैक्टर एंड फैक्टरिंग वी कैन फोकस ऑन आर बिजनेस। क्यों? हमारा जो भी रिस्क है वो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फैक्टर के पास, सो वी हैव टाइम टू फोकस ऑन आर कोर बिजनेस, जो हमारा एक्चुअल बिजनेस है, एंड वी कैन ग्रो आर बिजनेस फ्रॉम दैट फेज, फ्रॉम दैट फेज टू द अनदर लेवल। डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग इनवॉइसेस, जैसे एडवांटेजेस है वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है। पहला, द कॉस्ट, फैक्टरिंग फाइनेंस कॉस्ट मोर देन
bank offered line of credit. It should be used only by companies with profit margin sufficient to cover the cost of financing. So ये जो भी कॉस्ट है वो बैंक चार्जेस से बहुत ज़्यादा होती है. बैंक हमें बहुत कम चार्ज करती है लेकिन वो रिस्क नहीं उठाती. अगर मैंने लोन लिया है राइट, समझो मैं ये क्रेडिट बिल रखता हूँ अपने पास, बिल्स रिसिवेबल, उसके अगेंस्ट में मैं लोन लेता हूँ और बोलता हूँ कि जैसे बिल मैच्योर होगा यू कवर दी अमाउंट. लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हमें देखना पड़ता है. सो फैक्टरिंग फाइनेंसेस कॉस्ट मोर थैन बैंक offered lines of credit. So it should be used only by companies with profit margin sufficient to cover the cost of financing. Right? तो हमें ये भी ध्यान देना है कि factor के पास जाना है कि bank के पास जाना है. Bank के पास जाएंगे तो वो credit लेने बोलेगा right? और वो credit के charges अलग है और वो कितना हमें repayment करने के लिए मिलेगा. अगर customer ने client ने हमें repay किया उतना amount तो well and good, अगर नहीं किया तो. फैक्टरिंग के पास मार्जिन कम मिलता है, बैंक के पास मार्जिन ज़्यादा मिलता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टरिंग के पास जाने चाहिए जिनके जिनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है राइट. अगर उनके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो दे शुड थिंक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर फैक्टरिंग. इट ओनली डिजॉल्व वन प्रॉब्लम. फैक्टरिंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम डिजॉल्व करता है. कौन सा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम. क्योंकि हमारे पास अभी रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है. इसके अलावा और कोई रिस्क है क्या? नहीं. तो कोई अदर एडवांटेज नहीं है. सो कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्लो पेइंग कस्टमर वोंट हेल्प इफ योर कंपनी नीड्स फंडिंग फॉर द रीजन सच एज बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट और रियल एस्टेट. ये सिर्फ आपका कैश फ्लो सॉल्व करेगा लेकिन आपको एसेट्स परचेस करने हैं तो वो आपको मदद नहीं करेगा. लेबर इंटेंसिव है, आपको ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम करना पड़ेगा, आपको प्रोसेसिंग काम करना पड़ेगा राइट. बहुत सारे फाइलिंग्स आपको करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको पे करना पड़ेगा, इनवॉइसेस आपको दिखाने पड़ेंगे, आपके भी दिखाने पड़ेंगे, आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स के भी दिखाने पड़ेंगे. व्हाई? बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर टेकिंग एडवांसेस फ्रॉम अ फैक्टर जिनको ऑलरेडी डिसाइड करना होता है बहुत सारे चीज़ों के बारे में. तो यू नीड टू शो मैनी डॉक्यूमेंट्स एंड उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइक अ लेबर. दैट इज़ वाई इट सेड लेबर इंटेंसिव. इट रिक्वायर थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट विथ योर कस्टमर. सो फाइनेंसिंग रिलेशनशिप इज नॉट इनविंसिबल टू योर कस्टमर राइट. अगर आप सोच रहे हो कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करूँ लेकिन आपको थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है आपके कस्टमर को और वो कॉन्टैक्ट करेंगे उनके साथ और कहेंगे मिस्टर ए ने हमारे यहाँ पे एडवांसेस के लिए आए हैं तो वॉट इज़ योर रीपेमेंट शेड्यूल, वॉट विल बी योर क्रेडिट वर्थिनेस एंड आप कितने टाइम में रीपेमेंट करने वाले हो, वॉट आर योर टर्म्स एंड कंडीशन राइट. तो आपको थर्ड पार्टी को आपके कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट कराना बहुत ज़रूरी है. समटाइम ऐसा होता है कि क्यों कराओ, कुछ अच्छे कस्टमर होते हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यार ही इज़ टेकिंग एडवांसेस फ्रॉम द फैक्टर, क्यों मे बी हमारे पे भरोसा नहीं है राइट. तो इस वजह से आपके अच्छे रिलेशन, अच्छे बिजनेस रिलेशन या प्रोफेशनल रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है, टूट सकता है. 10 साल तक हम लोग अच्छे बिजनेस कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन फैक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज वो भी इंडस्ट्री में है, आप भी इंडस्ट्री में हो, ही नोज कि फैक्टर के पास हम लोग क्यों जाते हैं. अगर आपको इतना अर्जेंट है तो यू कैन टेक लोन्स, बट फैक्टर के पास जाना इज़ लाइक यू आर नॉट ट्रस्टिंग अस. सो दिस इज सिंपल केस एंड वेरी वॉट वी कैन से इज इन अ नेगेटिव सेंस ऑफ एडवांटेज फॉर अस. हमारी जो एडवांटेज हम लोग फैक्टरिंग का लेना चाहते हैं वो डिसएडवांटेज इसमें कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज हमारे जो कस्टमर है उन पर हमको शायद भरोसा नहीं है, इस वजह से हम लोग फैक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसा एक इम्प्रेशन हो जाता है. डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग प्रोसेस. फैक्टरिंग इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फोरफेटिंग बिलोंग्स अंडर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इन विच एक्सपोर्टर सेल्स देयर राइट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टू अ फोरफेटर अक्वायर इमीडिएट कैश पेमेंट. फैक्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम एक जो है बिजनेस ओनर सेल करते हैं उनका इनवॉइसेस टू थर्ड पार्टी, लेंडर हो, फैक्टरिंग हो, बैंक हो, इन एक्सचेंज फॉर फास्ट कैश राइट. हमने हमारे डॉक्यूमेंट सेल किए. अब फोरफेटिंग में हम क्या करते हैं, इट बिलोंग्स अंडर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इन विच एन एक्सपोर्टर सेल्स द राइट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल
टू अ फोरफेचर टू अक्वायर इमीडिएट कैश पेमेंट। यहाँ पे हम पूरा ट्रांजैक्शन ही उनको सेल करते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन ही हम उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, राइट। हम फैक्टरिंग को सिर्फ डॉक्यूमेंट देते थे, फोरफीटिंग में हम पूरा ट्रांजैक्शन ही शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मैंने अगर ट्रांजैक्शन किया है सी से, मैं डी को कहता हूँ कि दिस इज द ट्रांजैक्शन, नाउ यू हैंडल, राइट। सो ये फोरफीटिंग होता है। फैक्टरिंग में हम डॉक्यूमेंट देते हैं एंड वी गेट द एडवांसेस। टाइपिंग, फैक्टरिंग डील्स विद शॉर्ट टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल, टिपिकली फॉल्स ड्यू विद इन 90 डेज और लेस। फैक्टरिंग हम 90 डेज या लेस में करते हैं। फोरफीटिंग क्या करते हैं, डील्स विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट। सेल ऑफ रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग सेल ऑफ रिसीवेबल्स आर यूजुअली ऑन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, लेकिन फोरफीटिंग में हम क्या करते हैं, सेल ऑफ रिसीवेबल्स आर ऑन कैपिटल गुड्स, यानी बहुत बड़े बड़े अमाउंट के जो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रीपेमेंट नहीं होता है या फिर टाइम लगता है रीपेमेंट के लिए, तो वैसे हम लोग गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ फाइनेंस, फैक्टरिंग बिजनेस ओनर्स यूजुअली गेट 80-90% फाइनेंसिंग, फोरफीटिंग में फंड एक्सपोर्टर्स विद 100% फाइनेंसिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, उनको क्या मिलता है फोरफीटिंग में, 100% फाइनेंस मिलता है। आपने 1 करोड़ का डील किया है तो पूरा 1 करोड़ आपको मिलेगा, दैट इज फोरफीटिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फैक्टरिंग डील्स विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। लेकिन फोरफीटिंग डज नॉट डील्स विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे डोंट हैव एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे आर डीलिंग विद द ट्रांजैक्शन नॉट विद द डॉक्यूमेंट, सिंपल। रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, फैक्टर इट कैन बी रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, फोरफीटिंग ऑलवेज नॉन रिकोर्स। देर आर टू टर्म्स, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, राइट। मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, राइट, इन सारे टर्म्स में वो रिलेट करता है। फोरफीटिंग इज ऑलवेज नॉन रिकोर्स, रिकोर्स मतलब फिर से वो रिपीट होगा नहीं होगा, हमें मैच्योरिटी पीरियड आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, रिकोर्स मतलब मैच्योरिटी पीरियड बढ़ रहा है, नॉन रिकोर्स मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं बढ़ रहा है। सेकेंडरी मार्केट, फैक्टरिंग नो सेकेंडरी मार्केट, फोरफीटिंग देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट दैट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी इन फोरफीटिंग। जब हम लोग फैक्टरिंग की बात करते हैं तो हम लोग ऑलवेज प्राइमरी मार्केट में जाते हैं जो हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस देते हैं, लेकिन फोरफीटिंग में देर इज अ सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन का वैल्यू 100% रहता है एंड दे गिव यू इंक्रीज लिक्विडिटी, वो पेज फॉर द कॉस्ट। फैक्टरिंग में सेलर और क्लाइंट पे फॉर द फैक्टरिंग कॉस्ट, राइट। फोरफीटिंग में ओवरसीज बायर पेज फॉर द फोरफीटिंग कॉस्ट, जो हमारे ओवर द काउंटर बायर है ओवरसीज में रहते हैं वो क्या करते हैं, हमें फोरफीटिंग कॉस्ट देते हैं बिकॉज क्रेडिट वो एक्सटेंड कर रहे हैं, इस वजह से उनको पे करना पड़ता है। वर्किंग ऑफ फोरफीटिंग, फोरफीटिंग इज एन इंटरनेशनल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मेथड, राइट। इट्स सिंपली अ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मेथड, एक चेन वो बिल्ड करता है उस हिसाब से वो फाइनेंस को सप्लाई करते हैं। फोरफीटिंग मीन्स द डिस्काउंट ऑफ फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस, हमें फ्यूचर पेमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन जो है आज ही फुलफिल करता है। वेरी मच सिमिलर टू फैक्टरिंग बट नॉट फैक्टरिंग। In another word, forfeiting is discounting of trade-related receivables secured with trade finance instruments such as bills of exchange, promissory notes, or deferred payment, letter of credit. तो ये instrument secure करता है हमारे forfeiting को। In the US, forfeiting is known as structured trade finance and every year more than $300 billion of world trade takes place using forfeiting. तो जब US के transactions की हम example लेते हैं तो हर साल $300 billion के वो ट्रांजैक्शन करते हैं। फोरफेटिंग इन फ्रेंच मीन्स टू गिव अप वंस राइट, अगर ए ने सी के साथ ट्रांजैक्शन किया है एंड बी कम्स एज फोरफेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे सारे जो भी राइट्स है वो मुझे फोरफेटिंग को देना पड़ेगा ताकि वो पैसा आए। दस इन फोरफेटिंग द एक्सपोर्टर हैंड्स ओवर द एंटायर एक्सपोर्ट बिल विद फोरफीटर एंड ऑप्टेंस पेमेंट, हमको पूरे राइट सामने वाले को देने पड़ते हैं, फोरफीटर को देना पड़ता है, तभी जाके वो पूरा अमाउंट 100% हमें देता है एंड दे रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। एक्सपोर्टर हैज़ गिवन अप हिज राइट ऑन द इम्पोर्टर विच इज नाउ टेकन बाय द फोरफीटर। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ये दो पार्टीज होते हैं फोरफीटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल ट्रांजेक्शन।
तो एक्सपोर्टर को गिव अप करना पड़ता है उनके राइट्स इम्पोर्टर के ऊपर, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन है अभी वो फोरफेटर के हाथ में है। बाय डूइंग सो एक्सपोर्टर इज बेनिफिटेड एज ही गेट्स इमीडिएट फाइनेंस फॉर हिज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्टर को बेनिफिशियल है, आने वाले दिन में पैसे मिलने वाले थे फ्यूचर डेट्स में, बट अभी मुझे मिल रहा है एंड दैट टू 100%, सो वेल एंड गुड। सो दे डोंट हैव एनी रिस्क। रिस्क ऑफ हिज एक्सपोर्ट इज नाउ बोर्न बाय द फोरफेटर इन केस इफ द इम्पोर्टर फेल्स टू पे, रिकोर्स कैन नॉट बी मेड ऑन द एक्सपोर्टर। अगर फोरफीटर को हमने पूरे रिस्क ट्रांसफर कर दिए, हमें रिपेमेंट में हमें हमारा अमाउंट मिल गया एंड द इम्पोर्टर इज नॉट पेइंग, माई कस्टमर इज नॉट पेइंग टू द फोरफीटर, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे कि भाई सामने वाला नहीं दे रहा, यू गिव अस द अमाउंट नाउ। सो रिकोर्स यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि रिकवरी करना बेसिकली। सो रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, फोरफीटिंग में रिकोर्स होता है, यानी अगर सामने वाले कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया तो वो हमारे पास आएंगे फैक्टरिंग में, लेकिन फोरफिटिंग में हमारे पास नहीं आएंगे। वंस द ट्रांजैक्शन इज डन, इट इज डन, वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद फोरफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द हेडेक एंड रिस्क ऑफ फोरफिटिंग विद द कस्टमर, और यहाँ पे इम्पोर्टर की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ फोरफिटिंग प्रोवाइड्स इमीडिएट फंड टू द एक्सपोर्टर, राइट, एंड अर्निंग टू कमर्शियल बैंक्स हु बाई टेकिंग द बिल्स ऑफ हाईली वैल्यूड करेंसीज कैन गेन ऑन द अप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज। तो हमें कमर्शियल बैंक से करेंसीज अप्रिसिएशन भी मिलता है, हाई वैल्यूड अमाउंट भी मिलता है कंपेयर टू द बैंक्स। फोरफिटर कैन ऑल्सो डिस्काउंट दिस बिल्स ऑन फॉरन मार्केट टू मीट मोर डिमांड ऑफ द एक्सपोर्टर। वो बिल मार्केट में डिस्काउंट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 1 लाख का बिल है बट इसका वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, तो वो मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में रख सकते हैं कि दिस इज़ द बिल, अभी आपको किस में किन कोई इंटरेस्टेड पार्टी है तो यहाँ पे आप सेकेंडरी मार्केट में डील कीजिए। ऐसा देर इज़ वेरी लिटिल रिस्क फॉर द फोरफीटर एज बोथ इम्पोर्टर्स बैंक एंड एक्सपोर्टर बैंक आर इन्वॉल्व। इम्पोर्टर बैंक के भी लोग इन्वॉल्व है फैक्टर फोरफीटिंग में एंड एक्सपोर्टर बैंक के भी लोग इन्वॉल्व है, बिकॉज आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट प्लेज अ मेजर रोल फॉर द फोरफीटर, मोर ओवर ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्सपोर्टर ऑन हिज टर्म्स एंड कंडीशन। अगर फैक्टर सामने वाले पार्टी ने, कस्टमर ने नहीं पे किया तो ऑन हिज बिहाफ बैंक विल पे एंड बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। एज फोरफीटिंग प्रोवाइड्स 100% फाइनेंस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट हिज एक्सपोर्ट, ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज अदर एक्सपोर्ट्स नाउ। सो सिंपल, अगर आपको पूरे ट्रांजेक्शन के पैसे 100% मिल रहे हैं तो आप अपने आने वाले कंसाइनमेंट पे काम कर सकते हो और आने वाले एक्सपोर्ट में भी काम कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डेफर्ड पेमेंट स्पेशली वाइल एक्सपोर्टिंग कैपिटल गुड्स विच पेमेंट विल बी मेड ऑन डेफर्ड बेसिस बाय द इम्पोर्टर। वन टाइम पेमेंट आ रहा है, इट्स गुड, अगर धीरे धीरे रीपेमेंट कर रहा है तो इट इज़ नॉट सूटेबल और फीजिबल अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्टर। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड द कंट्रीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज एशियन, साउथ एशियन, लैटिन अमेरिका, राइट। डिस्क्रिमिनेशन होता है हर एक कंट्रीज के साथ उनके रीजन के हिसाब से, किनको ज़्यादा अमाउंट मिलता है किनको नहीं मिलता। सो डिस्काउंटिंग में वो डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेशनल लेवल में होने के चांसेस है और होते भी है, इसलिए उन्हें डिसएडवांटेज कहा जाता है। देर इज़ नो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी विच कैन गारंटी फॉर फोरफेटिंग कंपनी विच अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म फोरफेटिंग। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यहाँ पे मॉडरेट, या फिर एक एजेंसी जो ध्यान रखेगा एंड श्योरिटी देगा कि आपको आपके ट्रांजैक्शन के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, राइट। तो देर इज़ नो इंटरनेशनल एजेंसी विच कैन गारंटी। सो अगेन ड्रॉबैक, अगर फोरफिटिंग को पैसे मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो फिर वो बैंक से लेगा एंड देन बहुत लंबा प्रोसेस। ओनली सेलेक्टेड करेंसीज आर टेकन फॉर फोरफिटिंग एज दे अलोन एंजॉय इंटरनेशनल लिक्विडिटी। सेलेक्टेड करेंसीज को हम लोग फोरफिटिंग में लेते हैं, जैसे US डॉलर है उन्हीं को लेंगे, राइट। तो आपको आपके INR को कन्वर्ट करने पड़ेगा US डॉलर्स में एंड देन उसके बाद वो आपको आगे लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। सो कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन पॉइंट और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, उनके चार्जेस, ये सब भी थोड़े से नेगेटिव में आ जाते हैं बिकॉज आपका प्रोसेस बढ़ जाता है। फोरफिटिंग इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम फोरफिटिंग वॉज अननोन टू इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन वॉज गारंटिंग कमर्शियल बैंक अगेंस्ट दैट एक्सपोर्ट फाइनेंस, हमारे लिए अननोन था लेकिन
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC जिन्होंने गारंटिंग ली है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट फाइनेंस करने की. हाउएवर द सेटिंग अप ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक सिंस 1994 फॉरफेटिंग इज अवेलेबल ऑन लिबरलाइज्ड बेसिस. जैसी एग्जिम बैंक्स चालू हुई इंपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1994 से, तभी से ये लिबरलाइज्ड बेसिस में हमें फॉरफेटिंग का सर्विस अवेलेबल था. सो सिंस 1994 एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से हमें ये मिलता था. एक्सिम बैंक अंडरटेक्स फॉरफिटिंग फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रुपीज 5 लाख. फॉर दिस पर्पज द एक्सपोर्टर हैज टू एग्जीक्यूट अ स्पेशल प्रो नोट इन फेवर ऑफ द एक्सिम बैंक. तो एक्सिम बैंक अंडरटेक्स फॉरफिटिंग फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 लाख. अगर आपका मिनिमम वैल्यू ट्रांजेक्शन 5 लाख का है तो उसके लिए आपको प्रो नोट देना पड़ेगा एक्सिम बैंक के अगेंस्ट में अगर आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो. तो एक्सपोर्टर विल फर्स्ट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद इम्पोर्टर एज पर द कोटेशन गिवन टू हिम बाय द एक्सिम बैंक. एक्सिम बैंक जो कोटेशन देंगी उस हिसाब से आपको वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा लीगल प्रोसीजर्स को, एंड उसके बाद आपका ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है. एक्सिम बैंक ऑन इट्स पार्ट गेट्स कोटेशन फ्रॉम द फॉरफिटिंग एजेंसी अब्रॉड. सो फॉरफिटिंग एजेंसी से वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं. हमने बोला था कि बैंक्स इनके साथ लिंक्ड होते हैं ट्रांजैक्शन में, तो ये बैंक कौन से है, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स. वो बात करेंगे फॉरफिटिंग एजेंसी से, कोटेशन फिक्स करेंगे, एक्सपोर्टर को देंगे, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के साथ वो एग्रीमेंट करेगा कि ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशन आपको ये ट्रांजेक्शन फुलफिल करना है. उसके बाद ही वो जाके आपका ट्रांजेक्शन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्रोसेस में या फुलफिलमेंट में आ जाता है. सो एंटायर फॉरफिटिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली कम्प्लीटेड बाय एक्सपोर्टर एग्रीइंग टू द टर्म ऑफ द एक्सिम बैंक एंड साइनिंग द प्रो नोट. सो एग्रीमेंट जो भी होगा एक्सिम बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन में होगा जो एक्सपोर्टर को एग्री करना है, और उसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट एंड फिनिश हो जाता है. फॉरफिटिंग बिजनेस इन इंडिया विल पिकअप ओनली व्हेन देयर इज ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन बिल इन इंटरनेशनल करेंसीज इन इंडिया फॉर विच द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ टू बी स्ट्रेंथन्ड. सो फॉरफिटिंग बिजनेस जो है वो तभी पिकअप होगा जब आपका करेंसी इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रांग होगा. तो इसलिए हमें फॉरेक्स मार्केट में देखना पड़ता है कि INR का वैल्यू कंपेयर टू USD कितना है, स्ट्रांग है, कम है, कमज़ोर है. कभी कभी न्यूज़ में दिखाते हैं कि 75 रुपीज़ पर डॉलर हो गया है, कल के मायने में आज स्ट्रांग है, कल के मायने में आज लूज है, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. दिस वुड बी पॉसिबल ओनली विथ इंक्रीजिंग एक्सपोर्टर. अब मॉनेटरी या फिर अपने करेंसी का वैल्यू बढ़ाना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको इनकम आएगा एंड उतना ज़्यादा आपके कंट्री के वैल्यू में वो कन्वर्ट होगा. अगर आप 1,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर लिए और आपके अकाउंट में उतने US डॉलर्स आए, उनको कन्वर्ट करते हो आप अपने INR में, मतलब अपने INR में कन्वर्ट करने का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है. तो करेंसी वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन यू एक्सपोर्ट मोर कंपेयर टू द इंपोर्ट्स. एट प्रेजेंट इंडिया शेयर स्टैंड्स एट 1.7% इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, परहैप्स दिस विल ब्रिंग अ पुश द फॉरफिटिंग मार्केट. एट प्रेजेंट हमारे पास 1.7% हम लोग मार्केट शेयर करते हैं फॉरफिटिंग रिलेटेड में. सो थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेरीज मेल मी योर क्वेरीज ऑन mail to premsir@gmail.com.